बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने लगा हूँ, जिसका शॉर्ट वीडियो का मकसद ये है कि बैंक इस्लामी के डेबिट कार्ड्स के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि बैंक इस्लामी कौन कौन से, किस नाम से, किस कैटेगरी के डेबिट कार्ड, जिसको ATM कार्ड भी कहा जाता है, अपने कस्टमर्स को इशू करता है। तो फिर हम इसको अगली वीडियो में मैं वन बाय वन हर कार्ड की डिटेल, उसके सालाना चार्जेस, उसके फीचर्स, उसकी फैसिलिटीज़ आपके साथ इंडिविजुअली शेयर करूंगा। आज मैं आपको डेबिट कार्ड्स के हवाले से बताने लगा हूँ कि कितने डेबिट कार्ड्स हैं और क्या नाम है उनका, बैंक इस्लामी के हवाले से। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं बैंक इस्लामी के डेबिट कार्ड, जिसका मैं पहला कार्ड होता है बैंक इस्लामी टाइटेनियम डेबिट मास्टर कार्ड। ये आपके सामने ब्लैक कार्ड आ रहा है, इस शेप का होगा। फिर कल हम इसके डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे टाइटेनियम डेबिट मास्टर कार्ड की, कि इसके अंदर फीचर्स क्या हैं। ये अगला कार्ड आ गया आपके सामने, ये ब्लू प्रिंटिंग में बैंक इस्लामी क्लासिक डेबिट मास्टर कार्ड। ये थर्ड वन आ गया पेपॉक डेबिट कार्ड। ठीक हो गया, तो इसके ये तीन ही कार्ड्स हैं, ठीक है, जो अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर अपने कस्टमर्स को इशू करता है। इन कार्ड्स का बेसिकली मकसद यह है कि जो कार्ड भी आप इशू कराएंगे, आप बैंक इस्लामी के 14,000 ATMs जो लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जिधर भी लगे हुए हैं, आप किसी जगह ATM से भी यूज़ कर सकते हैं अपने कार्ड्स को। इसके अलावा कोई शॉपिंग वगैरह करनी है कोई मर्चेंट से, कोई मर्चेंडाइज़ या कोई भी एक्स, या आपने कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ भी आपने करना है, तो आप इस कार्ड के, जो भी कार्ड आपके पास होगा, आप उसके बिहाफ पे अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। यानी कि ये कार्ड्स के नाम भी अदर बैंक के जो डेबिट कार्ड होते हैं उनके नाम की तरह ही सेम है, ठीक है ना। लेकिन इनके अपने अपने फ़ीचर्स हैं, क्योंकि हर बैंक अपने फ़ीचर दे रहे हैं, अपने कार्ड इशू कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स के नाम तकरीबन सेम होते हैं। क्योंकि आपको पता है बैंकिंग में एक कंपटीशन चल रहा है, हर कोई इस, हर बैंक इस चक्कर में है कि मैं अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ ऑफर करूं, ताकि कस्टमर्स मेरे पास आएँ, अकाउंट्स मेरे पास खुलें, डिपॉजिट मेरे पास आए। ठीक है, तो हम इसको, ये शॉर्ट एक वीडियो थी कार्ड्स के हवाले से। इंशाल्लाह कल हम वन बाय वन इन कार्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश यही करूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपकी नोटिस खिदमत में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल वाली डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।